देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं उनिजबेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जल्द मिलेगी हल्द्वानी वासियों को जाम से निजात। हल्द्वानी शहर में जनता को जाम से जल्द ही मिलेगी निजात, जिसके लिए प्रशासन ने कर लिए पूरी तैयारी। प्रशासन के द्वारा हल्द्वानी शहर के अंदर ज्यादा जगह रेड लाइट लगाने का कार्यक्रम जोरों पर चल रहा है, जिसमें रेड लाइट के जरिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना होगा और लोगों को जल्दी जाम से निजात मिलेगी। जिला प्रशासन ने 13 जगह को चिन्हित करके रेड लाइट लगाने का ठेका एक दिल्ली की कंपनी को दिया है, जो दिल्ली की कंपनी हल्द्वानी शहर में तेजी से काम कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लोगों को जागरूक होना होगा और लाइट का पालन करना होगा और जेब्रा क्रॉसिंग का भी नियम से पालन कराया जाएगा, जिसके लिए सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है। आप हल्द्वानी वासियों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही हल्द्वानी शहर में लोगों को जाम से निजात मिलेगी, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। हल्द्वानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो ट्रैफिक स्लो चलता है या ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण से लोगों को मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर के 13 जगह पर, अलग अलग जगह पर, चौराहों पर, तिराहों पर हम स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं। लेकिन स्ट्रीट लाइट लगाने से पहले इसमें अवेयरनेस का कैंपेन भी चला रहे हैं, उसमें पैम्पलेट्स वगैरह भी हम बंटवा रहे हैं। साथ ही साथ आज सभी जो इस कंसर्निंग विभाग, जो PWD, फॉरेस्ट, सबकी आज मीटिंग भी एक रखी है, जिसमें जो स्ट्रीट लाइट लगाने को लेके और जो चौराहे तिराहे में क्या क्या समस्या आ रही है, उस समस्याओं को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही ध्येय है, एक उद्देश्य है, किसी तरह से जो ये जाम की समस्या है, जो ये स्लो ट्रैफिक चल रहा है उसको, और जो ट्रैफिक है उसको अधिक से अधिक सिस्टमेटिक हम कर सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।